अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, होप यू आर डूइंग वेल। और ऐसी है कि फर्स्ट एक्सरसाइज बैच 6 की हम सॉल्व कर रहे हैं। टोटल मार्क्स आपके सामने हैं, ड्यू डेट आपके सामने है, इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि हमें इस वर्ड पे प्रिपेयर होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियोस देख लें, और ड्यू डेट के बाद नहीं सबमिट करवानी। अपने यूट्यूब से या वेबसाइट से ही किसी और स्टूडेंट से आपने कॉपी नहीं करना, ठीक है। ये आपको वीडियो जो नज़र आ रही है इसको आप देखें, उसके बाद आपने अपनी फाइल जो खुद क्रिएट करनी है। अदरवाइज यू गेन 0 मार्क्स। लर्निंग आउटकम ये है, जब आप जो है वो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे देन आपको पता चलेगा कि कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, किस तरह से करते हैं, वेबसाइट के लिए किस तरह से कीवर्ड रिसर्चेस करते हैं, रिफाइंड किस्म की कीवर्ड रिसर्च जो है वो क्या होती है। उसके बाद है कि इस एक्सरसाइज के 5 पार्ट्स हैं, आपने वन बाय वन इसको जो है वो कंप्लीट करना है। सबसे पहले सिनेरियो सुन लें कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो कि कंप्यूटर साइंस डिग्री प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर रही है, ठीक है। और उनका पर्पस ये है कि वो अपना जो है वो इससे रिलेटेड वेब पेज बनाएं, ठीक है, वेब अपीयरेंस चाहते हैं, वेबसाइट अपीयरेंस चाहते हैं। तो एज एन SEO एक्सपर्ट उन्होंने आपको हायर किया, और वो चाहते हैं कि आप उनकी उनके वेब पेज के लिए उनको एक रिफाइंड कीवर्ड रिसर्च करके दें, ठीक है। कम और उनका जो आपका प्रोग्राम है उससे रिलेटेड जो के है कंप्यूटर साइंस डिग्री से रिलेटेड उनका प्रोग्राम है, इससे रिलेटेड आपने जो है उनको कीवर्ड रिसर्च करके देनी है। टास्क ये हैं, आपके 5 टास्क हैं, ये साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। अभी करेंगे तो समझ नहीं आएगा आपको। गाइडलाइन देख लें, गाइडलाइन ये है कि आप जो है वो अपना एग्जिस्टिंग गूगल एड्स का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं और नया भी क्रिएट कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने जितने भी टास्क परफॉर्म करने हैं वो आपने गूगल कीवर्ड प्लानर टूल का यूज़ करते हुए करना है। उसके बाद जो आपका कीवर्ड होगा वो होगा जी कंप्यूटर साइंस डिग्री। उसके बाद जो है वो आपने रिफाइन कीवर्ड रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करके, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं, कॉलेजेस नहीं कराते। डेट्स वाई द क्राइटेरिया इज के आपने रिफाइन सर्चेस करनी है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और उसके बाद आपने उनको मिनिमम 10 सर्चेस पर मंथ जो है वो निकाल के देनी है, डेट्स इट। और ये किस तरह से आपने फाइल सबमिट करानी है ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। वीडियो को कोई भी पार्ट आपने काइंडली स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब हाँ, आपने इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, और ये जैसे मैंने फाइल क्रिएट की है उसी तरह से आपने जो है वो फाइल क्रिएट कर लेनी है। ऊपर कोर्स का नाम लिखना, नीचे एक्सरसाइज एंड बैच एंड टास्क 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट्स ऑन जितने भी होंगे उतने आपने कर लेने हैं। उसके बाद ही हम बात कर लेते हैं अपना फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी क्रिएट एन अकाउंट ऑन गूगल एड्स एंड गो टू कीवर्ड प्लानर टूल। सबसे पहले बात आ जाती है कि आपने अपना अकाउंट बनाना है गूगल एड्स का, तो वो आपने अकाउंट किस तरह से बनाना है। ऊपर आपको राइट साइड से एक आई बटन नज़र आ रहा होगा, उसमें एक वीडियो है, उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्टली मूव करेंगे उस वीडियो के ऊपर। उसमें आपको बताया होगा कि विदाउट कैंपेन आपने गूगल एड्स का अकाउंट किस तरह से बनाना है, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो देन आप से गूगल एड जो है गूगल ऐप से मनी चार्ज करेगा, तो आपके पास तो पैसे नहीं आएंगे ना तब उनको पे करने के लिए गूगल एड्स के लिए। तो आपने क्या करना है जी, वीडियो देख लेनी है ताकि जो है वो आप विदाउट कंपेन अपना गूगल एड्स का अकाउंट बना सकें, ठीक। अब हम चले जाते हैं स्टार्टअप से, मैं जो हूँ वो आपको यहाँ पे ही बता दूँगी। बाकी क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं डायरेक्टली साइन इन करूँगी, और आपका नहीं है अगर जिसका भी नहीं है तो वो स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेगा, और स्टार्ट नाउ का ऊपर क्लिक करने का मतलब होता है डायरेक्टली साइन अप करना। और जब आप साइन अप करते हैं तो आपके सामने सबसे पहला डायलॉग बॉक्स जब आप गूगल एड्स का अकाउंट बना रहे होते हैं तो आता है कि स्टार्ट विद योर कैंपेन, अपनी कैंपेन के बारे में बताएं। सिंपल इज दैट, देखें गूगल एड्स आप लिखेंगे इसी तरह से आपने लिखना है जिसमें न्यू भी क्रिएट करना है, ठीक है। गूगल एड्स लिखें, पहला लिंक आपके पास है गूगल एड्स साइन अप एडवर्ड्स इन इज नाउ गूगल एड्स, इसके ऊपर आपने कर देना क्लिक। तो आपके सामने जो है वो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपकी नेट की स्पीड के ऊपर कंसिस्ट करेगा। इस तरह से आपके सामने जो है वो विंडो आएगी। दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं साइन इन का एंड स्टार्ट नाउ का। जिसने पहली दफ़ा अकाउंट बनाना है उसने स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, जिसने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है और डायरेक्टली लॉग इन होना है तो वो साइन इन लिखेगा, ठीक है, डिफरेंस पता लग गया। तो आपने क्योंकि न्यू बनाना है तो आप स्टार्ट नाउ के ऊपर जाएंगे, और अगर आपका ऑलरेडी है तो आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ऊपर आपको एक लाइन भी नज़र आ रही है, टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद गूगल एड्स वी गिव यू USD $400 इन फ्री एंड क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड
$400। तो इसका मतलब ये है, इससे खुश नहीं हो जाना कि वो आपको $400 देंगे, जब आप स्पेंड करेंगे तब आपको वो देंगे। तो ये आपका जब आप बना रहे होंगे तो तब आपको पता चलेगा। तो ये आपने काम नहीं करना पे वाला कुछ भी, ठीक है, फ्रीली आपने जो है वो यूज़ करना। अगर आप एक चीज़ फ्री यूज़ कर सकते हैं तो आप वो ज़रूर कीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा और एड स्क्रीन पे भी आपको मैं वो वीडियो बता दूंगी कि आपने किस तरह से जो है वो अपना गूगल एड्स का अकाउंट विदाउट एनी पेमेंट क्रिएट करना। तो यहाँ पे जी थोड़ी सी हो रही लोडिंग, और जैसे ये लोडिंग होती है तब हम जो है वो अपना नेक्स्ट फर्दर काम जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और तब तक अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी तमाम जितने भी 15 टोटल कोर्सेज हैं उनकी तमाम की एक्सरसाइजेस वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो चेक कीजिएगा, देन आपने अपनी दोनों चीज़ें जो है वो अटैम्प्ट करनी है। अगर आप कोई चीज़ देख रहे हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है वो आप पहले कम्प्लीट देखें और देन आपने जो है वो अपनी एक्सरसाइज की तरफ आना है, क्योंकि अभी एक्सरसाइज में बड़े ज़्यादा दिन पड़े हुए हैं। और अगर आप टाइम पे नहीं कर सकते तो आपने परेशान नहीं होना, एट द एंड जो है वो आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी एक्सरसाइज या क्विजेस दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने छोड़ ही देना है, आपके साथ साथ जो है वो अटैम्प्ट करना है, वरना इंप्रेशन बुरा पड़ता है। ये है जी हमारा होम पेज गूगल एड्स का, आपका कुछ इस तरह से नहीं आएगा। आपका जो साइट पर आपको नजर आ रहा है ना टैब्स, क्रिएट कैंपेंग गोल्स एंड टूल एंड बिलिंग एंड एडमिन, ये आपका ऊपर टॉप पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको गूगल एड्स नज़र आ रहा है। तो वहाँ पे आपको टूल्स का बटन नज़र आएगा और देन आपको फर्दर जो है वो कीवर्ड प्लानर का टैब जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने इस तरह से, जैसे ही आपका बन जाएगा, आपने जैसा भी पेज आए आपके सामने उस तरह से आपने एक लेना है ना स्क्रीनशॉट, पहला हमारा स्क्रीनशॉट आ गया और इसको हम जो है प्लेस करेंगे अपने पहले टास्क के अंदर। इसकी आपने सेट करनी है और इसका कोई फॉर्मेटिंग करनी है वो आप समझ लिया। उसके बाद जो मैंने आपको कहा कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर आपने जाना है, जिन्होंने न्यू क्रिएट किया उनकी ये सारे टैब्स जो हैं वो टॉप पे आ रहे होंगे, क्योंकि हमारे साइड पे आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, आपके टॉप पे आ रहे होंगे जिन्होंने पहली दफ़ा गूगल एड्स का अकाउंट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो टूल्स के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हमारे सामने सबसे टॉप पे कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन नज़र आएगा, सॉरी कीवर्ड प्लानर का। तो जैसे ये सारी विंडो जो है वो लोड होती है पेज, उस तरह से आपने स्क्रीनशॉट लेना, इसको पहले टास्क के अंदर अपने सबमिट करा लेना। इस तरह तो इसका भी दे दिया हमने स्क्रीनशॉट, इसको पहले टास्क के अंदर इस तरह से सबमिट करा देंगे। उसके बाद है हमारा सेकंड टास्क, यहाँ से सब गेम जो है वो शुरू होनी है। सेकंड टास्क में जो उन्होंने हमें कहा हुआ है कि सर्च कीवर्ड रिलेटेड अबव सिनेरियो, उन्होंने हमें कीवर्ड बताया था कंप्यूटर साइंस डिग्री इज आर कीवर्ड, इसमें इसको आपने क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, नॉट अ वेबसाइट रिसर्च, ठीक है। इस तरह से इसको सेलेक्ट करें वर्ड को कंप्यूटर साइंस डिग्री, और इसको जो जहाँ पर आपने नजर आ रहा ना बल्ब वाला, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है स्टार्ट विद कीवर्ड के अंदर, पहले ही जो आपको नज़र आ रही है सर्च बार इसके अंदर आपने ये पेस्ट कर देना, स्टार्ट विद वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना क्योंकि आपके पास कीवर्ड है वेबसाइट का लिंक नहीं है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और इसका ले लेना आपने एक स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको प्लेस करा देना है अपने सेकेंड टास्क के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे आपने इस तरह से पेस्ट करवा दिया, उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट। आपने क्या करना है, जब आपने ये करा देना ना पेज, तो आपके सामने जो है वो आपने गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना। उस तरह से गेट रिजल्ट्स के ऊपर आपने जब क्लिक कर देना तो आपके सामने कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा, लेकिन
उन्होंने हमें कहा हुआ था कि आपने अप्लाई फिल्टर करना, अगर हम कंप्यूटर साइंस डिग्री लिखते हैं तो हम फिल्टर अप्लाई नहीं कर सकते, अगर हम कंप्यूटर साइंस डिग्री प्रोग्राम्स लिखते हैं देन हम एबल होंगे कि हम फिल्टर अप्लाई करें कंप्यूटर साइंस डिग्री का, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर साइंस डिग्री सर्च कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस डिग्री का ही फिल्टर लगा रहे हैं तो हमारे पास कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। इसलिए थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज़ करना है और इस तरह से आपने जो है वो लिखना है एंड देन एंटर के ऊपर सॉरी गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, आपके सामने जो है वो इस तरह से रिजल्ट आएगा। अब जिस तरह से मैं स्क्रीन शॉट ले रही हूँ आपने सेम टू सेम उस तरह से स्क्रीन शॉट लेना, जितने पार्ट का ले रही हूँ उतने पार्ट का ही आपने लेना है, ठीक है। अपने से कुछ भी ऐड नहीं करना, रिमाइंड दैट। और इसका हमने ले लिया स्क्रीन शॉट और इसको कर देंगे पेस्ट हम अपने थर्ड टास्क के अंदर। तो तीन टास्क जो है वो हमारे हो चुके हैं जी कम्प्लीट। पहले में हमने जो था वो गूगल एड्स का अकाउंट बनाना था और कीवर्ड प्लानर पर जाना था, बट सेकंड में आपने क्या करना था जी कीवर्ड प्लानर पर जाके आपने जो आपका बॉक्स में आई के मुताबिक कीवर्ड दिया गया था वो आपने सर्च करना था और थर्ड में आपने उसके रिजल्ट जो थे वो बताने थे, ठीक है। फिल्टर अप्लाई करना था, ठीक है। आपका दिल करे आप ये वाली पिक्चर दे दें, आपका दिल करे ये वाली पिक्चर ना दें, इसके साथ एक एडिशनल पिक्चर आप अगर देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो आप इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। और कैसा निकल जाता है पहले देखा जी, इसको मैं कर देती हूँ क्रॉस। डायरेक्टली जो उन्होंने हमसे मांगा होगा वो फनल का साइन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने जाना नीचे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। कीवर्ड यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है ना आपको, वहाँ पे आपने लिखा है कंप्यूटर साइंस डिग्री। जब आप लिख लेंगे कंप्यूटर साइंस डिग्री आपने इसका लेना स्क्रीनशॉट और इसको थर्ड टास्क के अंदर प्रोवाइड पेस्ट करना है। जो आपने पहले पेस्ट किया था लाजमी नहीं है कि आप उसको डिलीट करें, मैंने सिर्फ एग्जैक्ट आंसर देने के लिए जो है वो उसको डिलीट किया, आप उसको रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इसको हम पेस्ट कर देंगे अपने थर्ड टास्क के अंदर, हमारा थर्ड टास्क जो है वो कब हो जाएगा कम्प्लीट। एंड देन हम वहाँ पर जाएंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो फिल्टर है कंप्यूटर साइंस डिग्री वाला वो अप्लाई हो जाएगा और इसके मुताबिक हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे, सिंपल। उसके बाद जी फोर वाला रिफाइन द कीवर्ड विद द ऑप्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, आपने अपने रिफाइन करना कीवर्ड को यूनिवर्सिटी के ऑप्शन से। अप्लाई के ऊपर सबसे पहले क्लिक करें, जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है रिजल्ट जो फिल्टर आपने अप्लाई किया था वो उसके रिजल्ट जो है वो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएंगे। उसके बाद आपको साइड पर नज़र आ रहा है राइट साइड पर रिफाइन कीवर्ड, इसके ऊपर जाना नीचे आपको 1 2 3 4 नंबर पर नज़र आ रहा है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना इस तरह डाउनवर्ड एड के ऊपर तो आपको नज़र आएंगे तीन बॉक्सेस चेक हुए गए, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एंड स्कूल्स। आपने कॉलेजेस और स्कूल्स को जो है वो अनचेक कर देना और यूनिवर्सिटीज़ को आपने जो है वो चेक ही रहने देना। इस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना और इसको प्रोवाइड कर देना अपने फोर्थ टास्क के अंदर। यूनिवर्सिटी को हमने इसलिए चेक किया क्योंकि ये जो प्रोग्राम है बेसिकली ये यूनिवर्सिटीज ही जो है वो कंडक्ट करती हैं, कॉलेजेस स्कूल्स के अंदर तो ये वाले जो है प्रोग्राम्स वो नहीं होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होते भाई, मैं आप जाके कह सकते हैं कि हमने ये वाले कॉलेज से लिए, क्योंकि यूजुअली टिपिकली वो यही कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज भी जा रहे हो ना हमारे मुताबिक, अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो वो उनके मुताबिक वो कॉलेज ही होता है, ये हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाईलाइट 5 कीवर्ड्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस डिग्री हैविंग मिनिमम ट्रैफिक ऑफ 100 पर मंथ। अब आपने मिनिमम ट्रैफिक देखनी है, अब यहाँ पे आपने क्या करना कि एक और फिल्टर अप्लाई करना लो का, ठीक है। ऐड फिल्टर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कंपटीशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लो मीडियम एंड हाई या लो आपने चूज़ कर लेना एंड देन अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह रिजल्ट आएंगे, इसका ले लेना आपने स्क्रीन शॉट और अपने लास्ट टास्क के अंदर आपने प्लेस कर देना इसको। इस तरह और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करें, लेकिन अपने असाइनमेंट को किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। 0 नंबर मिलेंगे आपको। तो ये वाला हमने कर दिया पेस्ट, इसके बाद ये हमने 5 कीवर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट करके यहाँ पे 1 by 1 जो है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ से जो है वो हम कोई से भी 5 कीवर्ड्स जो है वो चूज़ कर लेते हैं, आसानी होगी इसलिए क्योंकि हमने पहले से एक फिल्टर अप्लाई किया हुआ है लो का, ठीक है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि मैंने कुछ कहा तो नहीं है कि स्क्रीनशॉट भी नहीं है लिखना भी है, तो हम जो ये दोनों काम कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है वो मैं जल्दी जल्दी कीवर्ड्स जो हैं
वो चूज़ कर लेती हूँ लो वाले, और वहाँ पे जो है वो हम सिंपल जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक हो गया सिलेक्ट। जब आप 5 सेलेक्ट कर लेना, ज़रूरी नहीं है जो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वही सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारी सेम जो है वो कीवर्ड है, तो आप लोग के सामने भी इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो आपने ज़रूरी नहीं है यही करें, जिसकी रेंज मिनिमम 100 होगी वो आपने जो है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको ये ब्लू में जो नज़र आ रहा है ना, साइड पर नज़र आ रहा है आपको कॉपी मोर एंड क्रॉस, मतलब क्रॉस कॉपी के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो आपने जितने भी सिलेक्ट किए हुए होंगे कीवर्ड्स वो आपके कॉपी हो जाएंगे। देन सिंपल आपने अपनी उस फाइल पे जाना है जहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, और कंट्रोल भी कर देना, तो आपके जो है कीवर्ड्स वो पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको अलाइन कर दें 1-2-3 के फॉर्म में, या रोमन फॉर्म में, या फिर आपने बुलेट के फॉर्म में करना है तो वो कर दें। तो उन्होंने क्योंकि हमसे 5 मांगे हुए थे, तो यहाँ पर हम जो है वो 5 अपने चूज़ करके वहाँ पर प्लेस करेंगे, और टास्क जो था वो हमारा हो जाएगा कम्प्लीट। ठीक है, एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी हम जो है वो अलाइनमेंट कर देते हैं, क्योंकि अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जी ये हमने कर दिया अलाइन, अब एक दफ़ा फिर आपको बताने लगी हूँ, ये आपने गौर से देख लेनी है। ठीक है, बार बार नहीं आपको बताऊँगी, जैसे मैंने आपको करके दिया ना, आपने एग्जैक्ट सेम टू सेम वैसे ही करना है गाँव। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपको देंगे आपके इतने मार्क्स नहीं, आपके इतने मार्क्स हैं, तो आप ये नहीं चाहते कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर थोड़ा बुरा इंप्रेशन पड़े, इम्पैक्ट पड़े। तो अच्छा इम्पैक्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है, इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो ये जी हमारी सेटिंग सेटिंग हो गई है। उसके बाद ये जैसे पहले में सबसे पहले आपने गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है। गूगल एड्स का अगर आपने पहली दफ़ा अकाउंट बनाना है, उसके लिए आपको वीडियो दी गई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप जो है वो उसी वीडियो के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो वहाँ से ही शुरू होगी जहाँ से आपको बताया जा रहा होगा कि आपने कैसे गूगल एड्स का अकाउंट बनाना है। ठीक है, उतना बता के वो वीडियो जो है वो वहीं पे एंड हो जाएगी। देन आपने वापस इसी वीडियो पे आना है, आपने जो है उसके बाद क्या करना है जी, कीवर्ड प्लानर के ऊपर चले जाना है। सेकेंड में आपने क्या करना है जी, अपना जो आपको कीवर्ड दिया गया हुआ था वो आपने सर्च करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाके। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि थर्ड में आपने ये काम करना है कि आपने दर्ज रिजल्ट के ऊपर क्लिक करना है। पहले क्या लिखना है, पहले हमने लिखा था कंप्यूटर साइंस डिग्री, लेकिन उससे अगर हम सर्च करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट नहीं आएंगे, तो फिर हम लिखेंगे कंप्यूटर साइंस डिग्री प्रोग्राम। देन हम दर्ज रिजल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके अंदर हम जाकर फिल्टर अप्लाई करेंगे, वो हम थर्ड में पेस्ट करेंगे। फोर में हमने रिफाइनिंग कीवर्ड्स करनी है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। उसके बाद जब हम ये कर लेंगे, तो आपने क्या करना है जी, फाइव में आपने लो कंपटीशन वाले ढूंढने हैं जिसकी मिनिमम ट्रैफिक जो है वो 100 पर मंथ हो, तो वो हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया लो का। लो करने के बाद हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए 5 ऐसे कीवर्ड्स जिनकी मिनिमम ट्रैफिक जो थी वो 100 पर मंथ थी। तो हमारा जो टास्क है 5 टास्क इस तरह जो है वो हमारे का जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, जिस तरह भी डिज़ाइन करना है इसका लेआउट उस तरह आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जिसको याद से कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करने के बाद आपने जाना है LMS पे। LMS पे जाने के बाद आपने जी अपनी फाइल चूज़ करनी, जहाँ भी आपने सेव करनी की होगी, एंड देन सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने आएगी एक ग्रीन बार, एंड ग्रीन बार शोज यू दैट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। मुझे दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।